सीपोन ड्रॉप जो कि बनाया जाता है जीनो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ये एक ड्रॉप रहता है जो कि ओरल ड्रॉप पिलाया जाता है और इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर सिप्रोहेप्टेडिन 1.5 mg एंड ट्राइकोलिन सिट्रेट 55 mg रहता है। 15 ml का ऐसा ड्रॉपर रहता है जिसका MRP 55 rupees रहता है। ये ड्रॉप जो कि क्या कर देता है कि बच्चे के अंदर भूख बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि बच्चा भूख बढ़ता है तो खाना अच्छे से खाएगा, वो हेल्दी रहेगा। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको सीपोन ओरल ड्रॉप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी सिरप या कोई भी ड्रॉप लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा इंट्रो के बाद। सीपोन ओरल ड्रॉप जो कि बनाया जाता है जीनो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। सिप्रोहेप्टेडिन 1.5 mg एंड ट्राइकोलिन सिट्रेट 55 mg रहता है। 15 ml का ये ड्रॉप रहता है जिसका MRP 55 rupees रहता है। सीपोन ओरल ड्रॉप जो कि ये दवाई है जिसको अंदर सिप्रोहेप्टेडिन डाला गया और ट्राइकोलिन सिट्रेट डाला गया है जो कि स्टिमुलेट करता है एपिटाइट को, जिससे क्या होता है कि ट्रीटमेंट होता है एलर्जिक कंडीशंस का। तो अगर आप इसको ज़्यादा पिला रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं पिला रहे हो, कंटिन्यूसली पिला रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट होता है जैसे कि भूख को स्टिमुलेट करता है और ट्रीटमेंट करता है एलर्जिक स्किन कंडीशंस को। अगर आप इसको ज़्यादा पिला रहे हो बच्चे को तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि डाइजीनेस हो सकता है, बच्चे की हार्ट रेट बढ़ सकती है, हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि हो सकता है। तो सीपोन ओरल ड्रॉप काम कैसे करता है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर दो कंटेंट डाला गया सिप्रोहेप्टेडिन एंड ट्राइकोलिन सिट्रेट जो कि क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है उस इट के एपिटाइट्स को, जो सिप्रोहेप्टेडिन को रिड्यूस कर देता है उस इफेक्ट को, जो कि सेरोटिन होता है वो केमिकल मैसेंजर होता है हाइपोथैलेमस को, जिससे क्या होता है कि ब्रेन स्टिमुलेट होता है और एपिटाइट्स को इम्प्रूव करता है। और ट्राइकोलिन सिट्रेट क्या कर देता है कि भूख को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को भूख वगैरह ज़्यादा लगता है और भूख लगने के से वो दूध वगैरह ज़्यादा पिएगा तो वो हेल्दी रहेगा। तो ऐसे काम करता है ये ड्रॉप। तो इस ड्रॉप के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आई डी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।